95, 98 आपको ओरिजिनल करके लोग बेचेंगे, तो ये चीज संभल के रहो। माल किधर है, माल किधर है, माल ले देखो। अरे भाई साहब, हमको तो पता ही नहीं चला लाइट में इतनी टेक्नोलॉजी कब आ गई भाई। तो ये प्राइस में आपको इतना स्ट्रॉन्ग लाइट हार्डली क्या मिलेगा, बस ओरिजिनल लाइट होना चाहिए। थोड़ा आराम किया, अभी अच्छा लग रहा है। अभी कल सुबह वीडियो एडिट करके डालूंगा जो आपने ऑलरेडी देख लिया है। राइट नाउ इट इज 5:30, आई एम गोइंग टू मरीन लाइंस। अपना दोस्त जो डीलर है लाइट्स का, उसके पास जाएंगे और अच्छे लाइट्स लेके आएंगे। तो वो तीन चार लाइट्स मुझे दिखाने वाला है, उसमें से एक सिलेक्ट करके अपन एक्सपल्स पे लाइट लगाएंगे। चलो निकलते हैं। चलो अभी रिकॉर्ड हो रहा है, पता नहीं क्या हो जाता है अभी, एसडी कार्ड एरर, कभी हैंग, क्या फायदा इतना बड़ा GoPro लेके। खैर एनीवेज, बहुत ही सुहानी शाम मुंबई में, मतलब मैं मुंबई में घुस चुका हूँ भाई, ठाणे में नहीं हूँ तो मुंबई है। ब्रेक इन हो गया तो मैं एटलीस्ट भगा तो सक रहा हूँ। ये देखो 80 पे अच्छी चलती है गाड़ी, 95, 98, ये रहा फर्स्ट 3 डिजिट। ओहो, और भी गाड़ी जाएगी आराम से, आराम से 102। एक्चुअली मैं पूरा थ्रॉटल दे नहीं रहा हूँ क्योंकि सिटी में हूँ ना, बट ठीक है 100 तो आराम से चल रही है, बढ़िया। अभी ये तो टू अर्ली टू जज है, ये सिर्फ खाली 2 मिनट के लिए था। असली बात जो है वो अपने राइड पे पता चलेगी कि ये कितना क्रूजिंग कर सकती है। वैसे 100 के ऊपर जाने के लिए हल्का इसको टाइम लग रहा था। ओ हो हो, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट। तो दोस्तों देखो, ये है असली मुंबई, ओरिजिनल मुंबई। ये देखो कितनी पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स है, पत्थर की बनी हुई है। ए जान दे भाई। सो हम लोग जा रहे हैं हमारे दोस्त के यहाँ पे, जेसल द रोलिंग पिस्टन्स, काफ़ी सुना होगा आप लोग ने, काफ़ी लाइट्स बेचता है ये, स्पेशली एजेजी लाइट्स। वाह यार मस्त करके रखा है। कुत्ता कुत्ता, जाओ ना भाई, काटेगा नहीं ना। बदल गया भाई तेरा पूरा फेस ही बदल गया है, क्या बोलता नहीं, कुछ नहीं था। तो जेसल भाई की, हाँ हम आ चुके हैं गणपति बप्पा मोरिया। अब जेसल भाई काम की बात करते हैं। माल किधर है, माल किधर है, माल ले देखो। अरे भाई साहब, ये देखो भाई एजेजी का स्टॉक, ओरिजिनल एजेजी। तेरी वजह से मेरी सारी राइड्स एकदम सेफली गई। अच्छा, अभी अपने वर्सेस पे ये लाइट्स अब तक चल रहे, 2 साल के ऊपर हो गया। अभी ऑफ रोड भी अच्छा जाएगा, तो जैसल मेरे को 2-3 ऑप्शन दे रहा है, कौन से दे रहा है। L9X है, फिर दूसरा फिर फ्यूचर आइज है, 2 LED, एक हो गया, 1 LED वाला एक आता है, वो एक ऑप्शन है। फिर L6 XS है जो 60 वॉट्स है। तो देखते हैं, 2-3 ऑप्शन हमने शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं। अब जो भी बाइक पे जाएगा सही सही, उसका थ्रो वो अच्छा देख के हम कंपेयर करके ले लेंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ आ गया, अभी जैसल अपना दोस्त है इसलिए उसने घर पे बुला लिया। जस्ट इन केस आपको लाइट खरीदना है तो बिंदास करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है। इससे मैंने लाइट लिया था एजेजी में। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डुप्लीकेट माल दबा के मिलता है, स्पेशली दिल्ली वाले तो दबा दबा के डुप्लीकेट बेचते हैं। चाहिए तो मैं 1800 में भी जोड़ी तुम लोग को दिला सकता हूँ। 1800 में आपको ओरिजिनल करके लोग बेचेंगे, तो ये चीज़ संभल के रहो। मैं तो बोलता हूँ कि ऑथेंटिक डीलर से ही लो, अपना जैसल ऑथेंटिक डीलर है। और लॉन्ग राइडिंग के टाइम सबसे इंपॉर्टेंट लाइट्स ही होते हैं बॉस, लाइट्स के बिना मैं, मतलब एक बार लाइट की बहुत बुरी आदत है, एक बार लग गई आदत लाइट्स की, बिना लाइट्स के जमता ही नहीं है भाई। लाइट्स होना बहुत अनिवार्य है। ये देखो, ओहो, इट वुड बी 80% स्पॉट बीच वाला, ओके, 20% पूरा स्प्रेड मिलेगा। कौन सा रिकमेंड करते हैं? L9X। अगर तेरे को छोटे में और अच्छा कॉम्पैक्ट चाहिए तो ये थोड़ा बड़ा है ना। हाँ, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, मस्त। वो भी दिखा देता हूँ तेरे को, ये L9X है, ये L6S है। तो अपने वर्सेस पे लगाया वैसा वाला ही? हाँ, 60W 6000 lumens। ओके, कौन सा ये? शिलान G25। और मस्त है यार, ज्यादा हेवी भी नहीं है, मेटल होके भी, एल्यूमिनियम कैसे, एल्यूमिनियम। हाँ, कौन सा वो बिल्डिंग? ओ भाई साहब, प्रॉपर है, प्रोजेक्टर लाइट्स है, ये तो बहुत दूर दूर तक जा रहा है यार। ये लो L6XS, ये अपना वो वाला टिपिकल वाला। हाँ, टिपिकल स्पॉट स्प्रेड। हाँ, ये स्पॉट स्प्रेड है भाई। और एक ये देखते हैं L9X, ये भी अच्छा है यार, स्ट्रॉन्ग। हाँ, ये भी स्ट्रॉन्ग है पर उतना नहीं है। हाँ, वो 60 वॉट्स है, 45 ये 45 वॉट्स है। ये देख, इसका भी देख, इसका भी छोटा है पर 40 वॉट्स, 20 वॉट्स, 40 हो गए। ये बहुत वाइड है पर। हाँ, अपने गाड़ी पे ना साइड बाय साइड ऐसा लगा के थोड़ा देखना पड़ेगा कौन सा सही लग रहा है।
प्रोजेक्टर टाइप है, एडजस्टेबल है। तब अगर ऐसे देखने हैं तो तेरे क्या क्या लेवल का लाइट्स आ गया यार। अच्छा है वैसे भी, तेरे को इसका जादू बताता हूँ। अरे भाई क्या बात है यार। अरे भाई इससे तू बोला खाली बैटरी पे कनेक्ट कर देने का और तू इसको यूज कर सकता है। हमको तो पता ही नहीं चला लाइट में इतनी टेक्नोलॉजी कब आ गई भाई। ऐसे DRL आता है। अरे भाई देन प्रेस इट येलो। अच्छा खासा स्ट्रांग है यार। प्रेस इट वाइट। नहीं ये HJG नहीं है। अच्छा येलो, ये HK वहाँ का कोई लोकल है तो मैंने सैंपल मंगवाया था इसका। कितना पावर खींचेगी है। अच्छा है ना ये अपने स्कूटी एक्टिवा ये सब चीजों के लिए बेस्ट है। मतलब हैंडल के वहाँ पे लगा दिया ना तो खाली यूनिट 2 पे दोनों में बटन जाते हैं, इसमें भी और इसमें। हाँ दोनों का बटन। इधर को जब भी चाहिए तब तो वो जो चालू कर सकता है। ये देखो तो ये वाला लाइट और ये वाला लाइट कौन सा अच्छा लग रहा है। आ जाएगा प्रॉपर, आराम से आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, परफेक्ट। तो शॉपिंग हो चुकी है फाइनलाइज, ये लाइट्स हम लोग ले रहे हैं। तो हार्नेस रिले सब चेक कर रहे हैं और ये अपना बटन। अपना वर्सेस पे जो लाइट था वो थोड़ा ये टाइप का था, सेम स्ट्रेंथ है दोनों भी 6000 लुमेंस है, राइट। चल भाई जैसल मिलते हैं, राइड वाइड करते हैं यार कुछ। राइड में साइड में मस्त अच्छा राइड मारते हैं साथ में यार। चलो बता मेरे को कैसा प्लान होता है। तो चल भाई अपने को लाइट्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे क्योंकि राइड जो है वो शुरू होने वाली है शायद से, प्रोवाइडेड मेरी तबीयत ठीक हो। तो उसके पहले कैसे लाइट इंस्टॉल करके रखेंगे तो इट्स ऑलवेज गुड। ओके सो लाइट्स इंस्टॉलेशन हो चुकी है शुरू। तो पूरा मुझे लगा नहीं था पूरा टैंक निकलेगा लेकिन टैंक निकल रहे। सुशील भाई अच्छे से ही करेंगे। तो यहाँ पे पूरा वायरिंग जो है ये बहुत लंबा है तो इसको थोड़ा रैपअप भी करना पड़ेगा। तो ये वाला है ना फ्लैशर मॉड्यूल है तो अपना लाइट्स में फ्लैशर भी है तो ये लगाना जरूरी। रेट कम्स विद द किट तो ये लगा के हम लोग बटन से फ्लैश कर सकते हैं। वैसे 60 वॉट का लाइट है तो काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि बैटरी पे जो है वो लोड आएगा। तो सुशील भाई बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, बैटरी पे ऐसा कोई लोड नहीं आएगा क्योंकि गाड़ी चलती रहेगी और दिन में तो हम लाइट यूज़ नहीं करते, रात को ही करते हैं तो आई डोंट थिंक इट इज़ अ प्रॉब्लम। तो लाइट्स का जो ब्रैकेट है वो हम लोग यहाँ लगा रहे हैं। ये लिंक, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको अगर एक्सपल्स है तो ये एक्सपल्स के लिए स्पेशली बनाया हुआ है, शॉकअप वाले स्क्रू में हो जाएगा और यहाँ पर आएगा लाइट। तो परफेक्ट लोकेशन है, मतलब हैंडल घूमेगा तो लाइट भी घूमेगा और दिखने में भी अच्छा दिखता है। तो ये देखो लाइट्स कुछ ऐसे लग रहे हैं। रीज़न मैंने राउंड लाइट्स लिए क्योंकि लाइट अपना मेन लाइट जो है वो भी राउंड है, इसीलिए राउंड लिया ताकि दिखने में अच्छा लग रहा है। और क्या बात है। तो ये इग्निशन के जो वायर है हम डायरेक्ट फ्यूज़ बॉक्स में डाल रहे हैं क्योंकि सुशील भाई बोले कि वो बेस्ट जगह पर, कहीं पर कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है और डायरेक्टली फ्यूज़ बॉक्स में इंस्टॉल कर दिया तो नीट भी हो जाता है। वो देखो लाइट्स लग गए, वाह। चलो तो ऑलमोस्ट इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है, बस अभी टैंक लगा रहे हैं। टेस्टिंग भी हो चुकी है तो ऑलमोस्ट डन, बस अभी फाइनली इलेक्ट्रिकल चेकिंग हो रही है मीटर पे, एरर कोड ये सब चेक करेंगे कि सब कुछ बराबर है या नहीं, बराबर ना सुशील भाई। ऑलराइट सो लाइट्स इंस्टॉल हो चुके हैं, अभी एक बार हम लोग खाली टेस्ट करेंगे। वैसे तो सब कुछ सही है तो इसको प्रॉपर मैं अंदर में रात को दिखाऊंगा, आज फिलहाल के लिए टेस्ट कर रहे हैं। ये हो गई गाड़ी चालू, ये बटन, ये नॉर्मल मोड, इसको बंद करके वापस करेंगे तो एक फ्लैश और वापस वैसे करेंगे तो ये दूसरा एक फ्लैश का मोड है। इसको सामने से देखते एक बार। ये देखो ये रहा हाई बीम हेडलाइट का, आप देख सकते हैं हेडलाइट कितना स्ट्रांग है और ये दो लाइट्स कितने स्ट्रांग है। तो ये देखो लाइट्स लगाने के बाद सामने का प्रोफाइल कुछ ऐसा लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ किया है। इनफैक्ट ये बटन भी मस्त पोजिशन हो गया है और लाइट्स इनफैक्ट आपको शायद दिख भी नहीं रहे होंगे। ये देखो ये रहे लाइट्स, एकदम नीट पोजिशन है। तो ये देखो अपने नए HJG लाइट्स कुछ ऐसे लग रहे हैं, बहुत ही डोप लग रहे हैं, वाह जबरदस्त फिटिंग है। ऑलराइट गाइस तो देख सकते हैं यहाँ पे अंधेरा है, मैं यहाँ पे लाइट्स टेस्ट करूंगा। काफी अंधेरा है, अभी आईफोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा ब्राइट लग रहा है लेकिन एक्चुअल में मुझे इतना भी नहीं दिख रहा है जितना ये कैमरा में दिख रहा है। तो अभी हम गाड़ी शुरू करेंगे और स्टॉक लाइट चेक करेंगे। तो ये देखो ये रहा स्टॉक लाइट, ये रहा हाई बीम और ये रहा लो बीम। अभी मैं अपने HJG के लाइट शुरू करूंगा, ये गाड़ी को पास होने देते हैं। ये देखो ओ माय गॉड दिस इज स्ट्रांग। अभी देखो बंद करते हैं, ये देखो और अभी देखो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, काफी ज्यादा। फ्लैशर यूज करते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है फ्लैशिंग। तो ये प्राइस में आपको इतना स्ट्रॉन्ग लाइट्स हार्डली के मिलेगा, बस ओरिजिनल लाइट होना चाहिए।
बढ़िया। तो ये जो बटन है इसमें भी एक लाइट है, तो अगर मैं लाइट शुरू करता हूँ तो ये देखो ये ऐसा ग्लो होता है, देख सकते हैं, और बंद करता हूँ तो ऐसा बंद हो जाता है। फ्लैशिंग में लाइट शुरू रहता है ये वाला, लेकिन फ्लैशर कुछ ऐसा दिखता है, देख सकते हैं। दिस इज लो बीम, ये अपना लो बीम लाइट है, इसको मैं हाई बीम करूँगा तो ये देखो ये रहा अपना हाई बीम और लो बीम दोनों, और ये देखो ये रहे अपने HJG लाइट्स। ओ माय गॉड, मेरी तो आंखें पूरी नम हो गई थी, इतना स्ट्रांग है। और ये देखो इसका थ्रो काफ़ी ज़्यादा थ्रो है, वो पूरा झाड़ दिख रहा है जो दिख भी नहीं रहा था, सही है। सो वीडियो ख़त्म होने का टाइम आ गया है, बट आप लोग काफ़ी लोग मुझे पूछेंगे कि ये लाइट्स का प्राइस क्या है। तो ये लाइट्स का प्राइस, ये पूरा कॉम्बो पैक जो है इंक्लूडिंग लाइट्स बटन और उसका जो वायरिंग हार्नेस है फ्लैशर मॉड्यूल के साथ, वो 4,850 रुपये का है अपने भाई जैसल के यहाँ पे। लेकिन अगर आप मेरा रेफरेंस देते तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 500 रुपये इससे कम हो जाएगा। सो आगे जाके हम लोग और भी डील्स करने वाले हैं थ्रू रोलिंग पिस्टन्स, ये उसका पेज है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग एक बार चेक कर लेना। और वीडियो में आपने देखा कि सिर्फ ये लाइट्स नहीं है अपने वर्सेस पे, ऐसी वाले स्क्वायर शेप के लाइट्स है और भी काफ़ी स्पॉट लाइट्स है जो आपने ऑलरेडी देखे, तो उनके रेट्स अलग अलग है। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको लाइट लगाना है, आपको स्पॉट चाहिए या स्प्रेड चाहिए या कैसा वाला चाहिए, तो आप डायरेक्टली उसको कॉन्टैक्ट करो, वो आपको लाइट्स रिकमेंड करेगा, नहीं तो फिर आप जाके एक बार देख लो और फिर उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, डिस्काउंट तो आपको मिल ही जाएगा। सो आई होप ये काफ़ी सारे लोगों को वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा, काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि कौन सा लाइट्स लगाए हमारे बाइक पे, तो आई होप आपको ये वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है। आगे जाके और भी लाइट्स के हम वीडियोस बना सकते हैं, लेट मी नो कमेंट्स में आपके थॉट्स। मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक खुश रहो, आबाद रहो, भटकते रहो, और देख सकते हो मैं थोड़ा भी एनर्जी मेरी आ गई है, रिकवर हो रहा हूँ, मतलब अभी भी कफ है लेकिन कम हो गया, काफ़ी कम हो गया, 3-4 दिन तो लगता ही है ना सर्दी खांसी कम होने में, तो वो चक्कर में हो रहा है। राइड की अपडेट क्या दूँ आपको, क्या ही दूँ मैं राइड की अपडेट, चलो ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉग में कोई ना कोई अपडेट मिल जाएगा।